गुलाब जाम, मुझे लगता है कि अगर आपके लाइफ में ऐसी ऐसा कोई इंसान है जो आपको एवरी टाइम ही गिव्स यू ब्यूटीफुल फूड, जो आपके लिए कुछ खाना परोसता है, आपके लिए कुछ बनाता है, लेकिन वो आपसे किसी भी चीज़ की कोई मतलब किसी भी चीज़ का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, अगर उनको आपको थैंक यू कहना है तो ये फिल्म आप उन्हें दिखाने लेके जाइए, क्योंकि ये दिखाने के बाद आप उनके चेहरे पे जो स्माइल आएगी वो स्माइल प्राइजलेस रहेगी और वो वापस आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाएंगे वापस, आई एम श्योर। रियल में देखिए, मेरी ऑडिशन यही थी कि अगर मैं चपाती पूरी गोल करता हूँ तो ही मैं इस फिल्म में काम करूंगा, ऐसे मेरी ऑडिशन थी, तो मैंने फिल्म में काम किया, तो आप समझ लीजिए कि मैंने अच्छी रोटी बनाई थी, अच्छी चपाती मैंने बनाई थी और बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। मेरी मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि अभी हिंदी में उसे फोड़नी को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक तड़का देते हैं वो तड़के में क्या होना चाहिए, वो तड़का कैसा होना चाहिए, वो अगर कोई एक स्पाइसी डिश होगी तो उसके लिए तड़का कैसा होना चाहिए, एक स्मॉल छोटी एक ऐसे कि कोई स्वीट डिश होगी तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, और सब्जी सबसे पहले प्याज कैसे काटना चाहिए ये सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेफ जब प्याज काटते हैं तब वो अलग होता है और जब हम एमेच्योर्स प्याज काटते हैं तब अलग दिखता है। तो ये बंदा शेफ है, जो आदित्य नाम का बंदा है, लंदन से आया है और अच्छा खाना बनाता है, तो उसका प्याज तो बहुत अच्छी तरीके से ही काटना चाहिए उसे। अगेन इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है और मैं पागल हूँ, मैं दीवाना हूँ उनके काम का। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स और उनके साथ काम करने से पहले थोड़ा सा टेंशन था, थोड़ा सा ऑकवर्डनेस था कि अभी पहली बार काम कर रहा हूँ तो कैसे करूँ मैं, लेकिन वो ऑकवर्डनेस वो टेंशन उन्होंने पहले मिनट में ही खत्म कर दिया और मुझे काम करने के लिए वो कैरेक्टर दिखाने में उन्होंने बहुत मदद की, उन्होंने बहुत संभाल के भी लिया कि अगर कभी भी जब भी मुझे टेंशन आता था, कभी भी जब मैं नर्वस था, तब उन्होंने कुछ अच्छा बनाकर मुझे दिया है। मतलब पोहे बनाती थी वो, दड़पे पोहे उनकी एक फेवरेट डिश है, जो हम सबकी फेवरेट डिश है जो वो बनाती है, उन्होंने वो बना के दिया हमें, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने बना के दी। एंड शी इज़ अ लवली पर्सन टू वर्क विथ, लवली पर्सन एंड अ लवली को एक्ट्रेस। ये मेरी मराठी फिल्म है, इस साल की मेरी पहली फिल्म है जो रिलीज हो रही है। इसके निर्देशक हैं मेरे अजीज दोस्त और बहुत ही उम्दा दिग्दर्शक सचिन कुंडलकर, और इसके प्रोड्यूसर्स हैं विनोद मलगेवार, विशाल चोरडिया और जी स्टूडियोज। फिल्म आपके करीब आ गई है, अब आपको चखनी है। पहली बार मैं ये कह सकती हूँ कि आपको देखनी भी है और चखनी भी है, क्योंकि ये एक फूड फिल्म है जो कि हिंदुस्तान को एक नया जॉनर है। आपने शायद ज्यादा फिल्में नहीं देखी होंगी जो फूड फिल्में हैं। तो सचिन ने ही कुछ साल पहले, मुझे लगता है 10-12 साल पहले, एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था रेस्टोरेंट। वो एक मराठी फिल्म थी जिसमें मैंने प्रमुख भूमिका निभाई थी। वो एक शेफ की कहानी थी कि वो क्यों कुकिंग सीखना चाहती है, क्यों कुकिंग छोड़ दिया है। लेकिन ये जो कहानी है ये हमारे स्टेट की कहानी है, हमारे स्टेट के फूड की कहानी है। काफी बार ऐसा हमने देखा है कि हम कई होटल्स में जाते हैं, हम काफी जगह खाना खाते हैं, ग्लोबल क्विजीन टेस्ट करते हैं, लेकिन मराठी खाना, मान लीजिए पोहे किसी किसी को मालूम होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मराठी खाना क्या होता है ये पता ही नहीं होता है। तो हमारी हमारे फिल्म का सक्सेस ये होगा कि अगर जो लोग मराठी नहीं हैं उनको भी हमारे अलग अलग रेसिपीज का पता चल जाए, उनका मन करे कि वो टेस्ट की जाए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि सिर्फ खाना नहीं, खाने की लज्जत बढ़ाने के लिए इस फिल्म में बहुत सारी गहरी भावनाएं हैं, जो मेरा किरदार राधा और आदित्य सिद्धार्थ सांदेकर इन दोनों के माध्यम से सचिन ने दर्शाया है। फिल्म में हमने ट्रेलर में देखा कि आप गुलाब जामुन बनाती हैं और आप ये फैन हो जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह का गुलाब जामुन था जो आपके इतने करीब आ गए, जो आपसे ट्रेनिंग मांगने के लिए आपके दरवाजे खटखटाए? तो मेरा जो किरदार है राधा का, वो एक शेफ का है, लेकिन उसको शेफ कह नहीं सकते क्योंकि वो मराठी खाना बनाती है। तो वो खाना बनाती है और अलग अलग लोगों को खिलाती भी है, वो अकेले काम करती है, उसका अपना अपना ढंग है जिंदगी जीने का। तो उसकी जिंदगी में ये एक बंदा आ जाता है जिसका नाम है आदित्य, और वो कहता है कि प्लीज मुझे खाना बनाना सिखाइए। और ये राधा का तेवर थोड़ा सा अलग है, उसका ये मानना है कि अगर सीखना है
तो वो सिखाया नहीं जाता, उसके नियम भी होंगे, और मैं अगर गुरु हूँ तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तो क्या राधा उसको खाना सिखाती है, क्या राधा सिर्फ खाना बनाने की रेसिपी नहीं, लेकिन खाना बनाने के समय राधा का मानना यह है कि हमारा अगर दिल भी थोड़ा सा हम डालते हैं तो उसकी टेस्ट अलग हो जाती है। तो क्या राधा उसको वो टेस्ट सिखाती है, ये कहानी उसके बारे में। ट्रेलर में हमने देखा कई प्रकार के डिश बनाने, तो आपकी कौन सी फेवरेट डिश? मैं सचमुच मराठी खाना बहुत अच्छा बना सकती हूँ। आप अगर यकीन नहीं करोगे, लेकिन अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरे लिए काफी सारे अलग अलग प्रोफेशंस थे, उनमें से एक ये था कि मैं खाना बनाऊंगी या मैं मेरा होटल शुरू करूंगी जिसमें जिस रेस्टोरेंट में मराठी फूड मिलेगा, जिसमें दड़पे पोहे मिलेंगे, जिसमें थालीपीठ मिलेगा, जिसमें वरण भात होगा, मसाले भात होगा। तो मुझे ये खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और बनाने के अलावा खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। शूटिंग में मैं कई बार जब जाती हूँ तो अब किसी भी यूनिट से पूछो, मैंने आज तक 80-90 फिल्म की है, तो किसी को भी पूछिए कि सोनाली के पास क्या होता है, तो वो जरूर मेरे बास्केट के बारे में बात करेंगे कि मेरे बास्केट में कुछ न कुछ मैंने बनाया हुआ या खाने के लिए कुछ न कुछ मिलता ही है। जाम नाम रखने का थॉट आया क्योंकि मुझे महाराष्ट्रीयन खाने पे फिल्म बनानी थी, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उन लोगों की जो दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ घर के खाने की। मुझे अपने मराठी जो फूड कल्चर है, अब हमारा जो खाना है, उसको सेलिब्रेट करने वाली एक फिल्म बनाने का दिल में बहुत था। तो गुलाब जाम इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन को मराठी में गुलाब जाम कहते हैं, इसलिए ये नाम रखा। सिद्धार्थ जी और सोनाली जी को लेना है। हाँ, कास्टिंग के बारे में ख्याल पक्का था क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे कुक हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो इस वजह से क्योंकि वो बहुत अच्छे कुक है, उनका कुकिंग पे बहुत ज्यादा प्यार है, मैंने डिसाइड किया था कि मैं उन दोनों को लूंगा। पर अच्छी बात यह है कि उन दोनों ने हाँ कह दी क्योंकि वो बहुत बिजी एक्टर्स हैं दोनों। खाने के ऊपर पहली भी हमारे मराठी में बहुत पिक्चर, फूड फिल्म पहली आ रही है। अच्छा, फूड फिल्म पहली आ रही है, किस तरह से अलग होगी ये फूड फिल्म? पहली फूड फिल्म कितना है एक्साइटमेंट की? मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में फूड फिल्म बननी चाहिए क्योंकि हमारा जो खाना है, हम वो है जो हम खाते हैं, और मुझे बहुत नाज है हमारे खाने पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं घर से बाहर रहता हूँ और कई महीनों बाद कुछ ऐसा मौका आता है कि घर में मैं मराठी खाना पका के खा लेता हूँ, तब बहुत सुकून मिलता है। तो ये अनुभव जिनको आता है उन सब के लिए ये हमारी फिल्म है, बल्कि फिल्म मराठी में है, इसलिए ये नहीं कि सिर्फ मराठी लोग देखें, ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ सभी जगह रिलीज हो रही है, तो ये सबके लिए है। अच्छा, आपके कौन सी फेवरेट डिश है इस मूवी में? आपने खाने को दो किरदार के साथ आपने खाने को ये किरदार दिया है जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपके दिमाग में कैसे आया ये किरदार? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी महक नहीं आती। अगर मैं खाने पे प्यार से काम नहीं करता, शॉट्स पे या उसके प्रेजेंटेशन पे, तो उस खाने की जो महक है वो कैमरे से नहीं आती। और मेरा वो चैलेंज था खुद के लिए कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिस के वो देखने के बाद लोगों को भूख लगे और वो जब देखते रहें तो देखते हुए उनको खाने की महक आ जाए, तो ये हो रहा है, इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसीलिए द फूड इज द थर्ड कैरेक्टर ऑफ द फिल्म। अच्छा, आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? मेरी फेवरेट डिश मराठी, आपको पता होगा, मोदक सबसे बड़ी फेवरेट डिश। अच्छा, कहाँ का खाना आपको अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में? कहाँ का खाना पसंद करते हैं? मुझे मराठी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, और मैं बहुत घूमता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मुझे केरला का खाना सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे। मैं साउथ इंडिया में बहुत घूमता हूँ और रहता हूँ, तो मलयाली खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं पसंद करता हूँ मराठी खाना और मलयाली खाना। मुझे लगता है अपने जो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, उनकी फिल्मों की भूख बहुत बड़ी है, उनका एक फिल्म से काम नहीं चलता। आप अगर सोचे कि अगर ऐसा हो कि महीने में एक ही पिक्चर चली है, एक ही पिक्चर आ गई, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हम लोग जितना खाने पे प्यार करते हैं, उतना ही हमारा फिल्मों पे प्यार है, हमारा क्रिकेट पे भी प्यार है। तो मुझे लगता है थिएटर्स में और हमारे दिल में एक से ज्यादा फिल्मों के लिए जगह है, और वो फिल्में आनी चाहिए एक साथ, क्योंकि हर एक फिल्म का फ्लेवर अलग रहता है, और हर एक फिल्म जो आ रही है इस महीने, हर एक का फ्लेवर अलग है,
गुलाब जाम का फ्लेवर अलग है, जो मराठी दूसरी फिल्म आ रही है उसका फ्लेवर अलग है, पैडमैन का फ्लेवर अलग है, तो अलग अलग फ्लेवर्स की फिल्में आ रही है। ये जैसे खाने का बुफे होता है, इतना खूबसूरत बुफे है, सबने एंजॉय करना चाहिए।